हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो भाई आज सुबह सुबह ना मेरी 5 बजे नींद खुल गई थी, तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी गंगा घाट आया हुआ था। तो आज का ना ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हरिद्वार जाऊंगा आपको, और वहां पर ना कुछ स्पेशल है, जोत होती है, तो उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। मुझे भी अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो वहाँ जाके आपको सारी डिटेल दूंगा और दिखाऊंगा कि क्या माहौल है वहाँ पर। काफ़ी अच्छा होने वाला है ब्लॉग, लास्ट तक देखना। चलिए ओके, जय गंगे मैया की। तो यार यहाँ आया हूँ तो गंगा जी के दर्शन कराना तो बनता है। देखिए भाई, पूरी धुंध ही धुंध हो रखी है सुबह के टाइम, और गंगा जी का बहाव काफ़ी तेज है, बहुत ज़्यादा जल आया हुआ है इस टाइम, घाट डूबे पड़े हैं ज़्यादातर। जय गंगे मैया की। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आया था भत्तरसीढ़ी घाट से होता हुआ, और मैं त्रिवेणी घाट पहुँच चुका हूँ पैदल वॉक करते हुए। और यहाँ लगातार ना अनाउंसमेंट हो रही है कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो सावधानी रखें, घाट पे स्नान ना करें। इस वक्त बड़ी तेज़ी से गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, ये अनाउंसमेंट हो रही है। यार सारे घाट डूबे पड़े हैं यहाँ पर, पता है कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है ना, ये ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म और है, फिर आगे जाके सीढ़ियाँ हैं। वहाँ मैं इतनी आगे स्नान करता था पहले, और अब देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब जगह जल ही जल है, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से यहाँ पर ये गंगा का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, और माहौल बड़ा ही प्यारा लग रहा है। देखें आप, पूरी धुंध धुंध छाई हुई है सारे में एकदम। आज रविवार है और सुबह के 6 बजे ही त्रिवेणी घाट पे इतनी भीड़ नज़र आ रही है। जरूर दिल्ली का टूरिस्ट यहाँ पहुँच चुका है तभी इतनी भीड़ है, लोकल तो है नहीं है सारे। फ्रेंड्स, अभी ना 1:30 बज रहे हैं और मैं ना हरिद्वार जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, बस खाना खाना है। तो और आज खाने में बने हैं भाई राजमा चावल। और आपको कैसे लगते हैं बेटा राजमा, राजमा चावल कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो भाई सबके ज़्यादातर राजमा चावल फेवरेट होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद होते हैं, पसंद है आई मीन। तो बस अब खाता हूँ और अभी निकलता हूँ, फिर हरिद्वार के लिए पहुँचते हैं, फिर वहाँ का भी आपको प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेगा आगे। तो भाई बढ़िया गाने सुनते हुए चल रहा हूँ और बस हरिद्वार पहुँचने वाला हूँ मैं। तो भाई ये जो मेन भीमगोड़ा पार्किंग है ना, यहाँ पहुँच चुका हूँ। अगर आप भी कभी हरिद्वार आए होंगे तो सारी मैक्सिमम पार्किंग और मोस्टली बसों की पार्किंग आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो भाई अभी भी ना यहाँ पर आपको कावड़ के अभी भी आपको यहाँ पर कावड़ ये दिख जाएंगे काफ़ी सारे, और अपना ये डीजे वीजे लगा के काफ़ी सारे अभी भी नज़र आ रहे हैं। कल भी है सावन का सोमवार, और इसके अगले हफ्ते लास्ट सोमवार है जब रक्षाबंधन वाले दिन। तो आते ही ना सामने ये बोर्ड नज़र आ गया है मुल्तान जोत के, जिसको कवरेज के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो आपको भी दिखाता हूँ पूरा कैसी होती है, मैं भी पहली बार ही देखने वाला हूँ ये। तो यार अभी ना यहीं पर ही घूम रहा हूँ मैं, एक भीमगोड़ा पार्किंग के पुल के यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो अभी जा रहा हूँ यहाँ पर, मुझे ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर अभी पूजा वगैरह चल रही है, और काफ़ी बड़ी यहाँ पर शोभा यात्रा निकलती है, और इसमें काफ़ी कुछ देखने के लिए होगा, तो सारा आपको दिखाऊंगा मैं। अभी ना मैं एकता भवन में आया था, ये भाई साहब ने ना मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। अभी यहाँ पर सत्संग चल रहा है ना, अभी सत्संग चल रहा है, सुबह हवन हुआ था। अभी ना यहाँ पर मुकुट वगैरह है जिसकी पूजा वगैरह होएगी, डेकोरेट करेंगे, उसके बाद ना सब जगह की आप बता रहे हो अलग अलग जोत होती है ना, तो ये अलग अलग जगह के, जैसे हरियाणा में सोनीपत पानीपत, और ये जो आप बता रहे हो ये किस जगह की है, तरावड़ी कहाँ पड़ता है ये, करनाल के आसपास पड़ता है। तो वहाँ की जोत है एकता भवन में, और दिल्ली की अलग है, तो
यहाँ पर ना कई तरह की जोत देखने को मिलेगी, आप लोग बने रहना, अभी आपको सारी दिखाऊंगा मैं एक एक करके। ठीक है जी, धन्यवाद। वो मोहन है कभी तो मुस्कुराकर लूट लेते हैं। मैं ना सोच रहा था बाहर जाके थोड़ा कहीं और एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन यहाँ अभी बारिश तेज़ हो रखी है, बारिश रुकेगी तभी जाएंगे यार, अभी गीला तो होना नहीं है इस टाइम पे। अभी यहाँ पर भी देखिए तैयारी चल रही है, और एक ना ये बड़े से हनुमान जी के बारे में भी मैंने सुना था यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ बैनर पे भी हैं, वो दिख रहे हैं। और यार जितनी भी यहाँ पर ये जोत है ना, शाम को 5 या 6 बजे तक ही स्टार्ट होंगी, अभी तैयारियाँ चल रही हैं सिर्फ यहाँ, अभी इस टाइम 4 बजने वाले हैं, अभी 1-2 घंटे लगेंगे यहाँ पर शुरू होने में। देखिए भाई ये जो हाईवे पे से दिखती है ना शिवजी जी की मूर्ति बोरी, और ये रहा हाईवे पे ये जो पुल है, और यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कांगड़ा पुल लिखा हुआ है इस जगह का नाम। भाई बहुत ज़्यादा तेज, काफ़ी देर से बारिश हो रही है यहाँ पर हरिद्वार में, और ये तो शुक्र है इस बारी मैं रेनकोट लेके आया हुआ था अपना, नहीं तो कोई बात नहीं खरीदना पड़ता, यहाँ पर आम मिल रहे हैं सब। और भाई जो जोत की है ना तैयारियाँ चल रही हैं, अभी थोड़ी पूजा वूजा हो रही है, अब देखते हैं भाई इतनी ज़्यादा बारिश में क्या होता है कैसे होता है। या देवी ज्योति रूपेणी संस्था सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। उज्वला माई की सच्चे दरबार की जयकारा माँ झंडे वाली दा शिवम ही लोकड़ा ठाकुर तेरी सदा ही जय पापा के कृपा। तो यार काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन यहाँ पानी सारा भर चुका है और मौसम अभी भी बना हुआ है, दोबारा भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव। तो भाई पहली जोत मुझे नज़र आ गई है यहाँ पे, और अभी मैंने पता करा ये है करनाल से, करनाल की जोत है, जो कि भाई इतनी बारिश में भी धूमधाम के साथ निकल रही है यहाँ से, और ये है 7वां सावन जोत। बंदरों की पूरी पलटन आ चुकी है, और भाई यहाँ पर ना जगह जगह पे बहुत सारी मैं ऐसे देख रहा हूँ बगियाँ वगैरह काफ़ी सारा अलग अलग सबकी निकल रही है, और ये देखिए यहाँ पर भी डीजे वगैरह के साथ। अब ये कहाँ के अभी देख के बताता हूँ, सोनीपत वालों की है भाई, ये तो अलग ही लेवल है भाई, यहाँ तो अलग ही लेवल।
इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है जो कि रेनकोट भी नहीं रोक पा रही है पानी को, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख रहे हैं ना सोनीपत की है जोत, और जिसमें आप हनुमान जी को देखा आपने कितने बड़े हनुमान जी लंबे से, और ये है जोत जिसके आप दर्शन कर लीजिए भाई। बॉक्स क्या है भाई, आपके लिए ना ये व्लॉग पूरा बारिश में भीगते हुए बना रहा हूँ, मोबाइल भी गीला हो रहा है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको बचाने का, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ है कि मैं कुछ भी कैरी नहीं कर सकता अपने साथ। फ्रेंड्स, अभी आपने जो देखी ना वो सोनीपत की थी, इसमें आपने देखा जो शिवजी जी वाली झांकी थी, और साथ में हनुमान जी थे बड़े से, और कुछ बकियां थी, और इस तरह की ना कई झांकियां देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर कई जोते। देखिए अभी ये भी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, अभी पता करता हूँ ये कहाँ की है। वीडियो बंद भी नहीं हो रही क्योंकि पानी पानी हो गया सारा मोबाइल। Thank you.
लास्ट पर एक और ये आपको दिख जाएगी, मोहल्ला कोर्ट सोनीपत। तो अभी इधर का भी दिखाता हूँ भाई कैसा माहौल है यहाँ का।